व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग अभी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर बहुत लोग कोडिंग कर रहे होंगे और उन्होंने वीएस कोड पे कोडिंग ट्राई करनी है, तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि आप वीएस कोड को डाउनलोड, इंस्टॉल और सेटअप अपनी मशीन पे कैसे कर सकते हो। तो पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम पे आपको वीएस कोड डाउनलोड सर्च कर लेना है। ये पहली लिंक आएगी, डाउनलोड वर्क विजुअल स्टूडियो कोड, इसको ओपन कर लेना है। अभी आपकी मशीन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रही है, विंडोज़, लिनक्स या फिर मैक ओएस, आप अपने हिसाब से उसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड कर लूँगा। अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और नीचे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें बेसिकली हर जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं हमारी मशीन पे, उसी तरह इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको मिन जी डब्ल्यू नाम की एक फाइल है, उसे डाउनलोड करके, मतलब फोल्डर है बेसिकली वो फाइल्स का, उसकी डायरेक्टरी आपकी मशीन में फीड करनी पड़ती है। तो पहले वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली नॉर्मली हम जैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो मिन जी डब्ल्यू का जो भी डायरेक्टरी है वो अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड करना है और उसका पाथ जो है वो अपनी मशीन में कैसे फीड करना है। तो इधर मैं लॉन्च नहीं करूँगा, सिर्फ फिनिश कर दूंगा इसे। तो अभी हमारा वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी हमें मिन जी डब्ल्यू की फाइल्स जो है वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करनी है। तो क्रोम पे फिर से मिन जी डब्ल्यू 64 वीएस कोड ये सर्च करना है। उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट जो है गेट स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस एंड मिन जी डब्ल्यू 64, इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको फोर स्टेप पे ये दिखेगा, माई सिस टू वेबसाइट, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद इंस्टॉलेशन की फर्स्ट स्टेप पे ही आपको डाउनलोड द इंस्टॉलर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे क्लिक करना है। आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, इसे डाउनलोड होने देना है और इसे भी हमें इंस्टॉल करना है। तो अभी माई सिस टू जो है हमारा वो डाउनलोड हो गया है, अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर भी सिमिलर है हर सॉफ्टवेयर की तरह, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। अभी ये इंस्टॉल होने के बाद हमें उस मिन जी डब्ल्यू की जो फाइल्स है इसके टर्मिनल पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें मतलब लिमिटेड डेटा नहीं है, मतलब आप मोबाइल डेटा पे डाउनलोड नहीं कर रहे, वाईफाई से कर रहे हो, क्योंकि फाइल्स थोड़ी बड़ी है, अराउंड 350 या फिर 400 MB की फाइल्स होंगी। तो अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है, इधर रन MSOS2 बोल रहा है, तो फिनिश कर देते हैं। तो वो जो टर्मिनल ओपन होगा उसमें आपको ये जो कमांड है वो डालनी है। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, तो सिंपली वाई टाइप करके आपको एंटर कर देना है। ये फिर आपकी फाइल्स जो है उसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा, और एक बार फाइल्स डाउनलोड हो गई तो आपको सिर्फ इन फाइल्स की जो डायरेक्टरी है उसे आपकी सिस्टम पे पाथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये फाइल्स अभी कुछ अराउंड 400 MB जो मैंने आपको बताया था उतनी साइज की है, तो इसे डाउनलोड होने देना है और डाउनलोड होने के बाद हम इसे पाथ में इंक्लूड कर देंगे। तो अभी जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपली अपना फाइल एक्सप्लोरर जो है उसे ओपन करना है। उसके बाद दिस पीसी में जाना है, मतलब अपने ड्राइव्स के इधर जाना है, और सी ड्राइव में हमने माई सिस 64 में इसे डाउनलोड किया था। तो माई सिस 64 में जाने के बाद आपको इधर नीचे एक फोल्डर दिखेगा UCRT64, इसको ओपन करना है और इसके बिन फोल्डर में जाना है। यहाँ पे हम सारी की सारी फाइल्स देख सकते हैं जो हमने डाउनलोड की है हमारी कोडिंग के लिए। तो सिंपली ये जो ऊपर बार दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारी जो फाइल्स है उसकी डायरेक्टरी की लोकेशन, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें जाने के बाद ये जो पाथ है इसको क्लिक करना है और इसका एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
इसके बाद एक न्यू सिलेक्ट कीजिए। न्यू सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो भी आपने डायरेक्टरी कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है, और इसे भी ओके कर दिया तो हमारा जो पाथ है वो अभी हमारी डायरेक्टरी में स्टोर हो गया है। मतलब तो अभी हमने डायरेक्टरी जो है वो हमारे सिस्टम में फीड कर दी है, तो उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद अभी इधर नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंशंस नाम का, उसे ओपन करना है। और इधर जो ये सी सी प्लस प्लस इंटेलिसेंस नाम का एक एक्सटेंशन पैक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप एक कोड रनर नाम का एक्सटेंशन पैक आता है, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इधर सर्च कीजिए कोड रनर, और कोड रनर सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिलेगा कोड रनर रन इन टर्मिनल, तो ये बॉक्स आपको टिक कर लेना है। इधर तक हमारे सेटिंग्स का काम हो गया। अभी सेटिंग्स का काम होने के बाद मैंने ये बेसिक एक प्रोग्राम बना के रखा है टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपको कोड रनर का और जो भी हमारा सी सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस है उस पैक का यूज़ क्या है। तो अभी सपोज मुझे एक फॉर लूप लिखना है, तो मैं फॉर डाल रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि स्निपेट फॉर के लिए दिया हुआ है। अभी मैं इधर एंटर करूँगा तो ये मुझे पूरा सिंटेक्स दे देगा कि मुझे फॉर लूप लगाना है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स के साथ मुझे दे देगा। तो सी सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस का काम यही है कि वो आपको कोड थोड़ा इजी कर देता है, आपकी कोडिंग स्पीड इससे बढ़ जाएगी। और अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। और जो कोड रनर पैक है इसका यूज ये है कि आप प्रोग्राम को पहले तो सेव कर लीजिए, और इधर ऊपर एक प्ले बटन जैसा आइकॉन आएगा रन कोड के लिए। अगर ये नहीं आ रहा है, इधर एक नीचे बग जैसा सिंबल भी आ रहा है, तो इधर बाजू में एक एरो दिया है, इधर जाके आप रन कोड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। इधर देखिए ये आ गया, वेलकम टू माई चैनल। अभी आप वीएस कोड को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। आपको और कोई एक्सटेंशन पैक्स भी डालने आप डाल सकते हो। तो ये था वीएस कोड का मेरा ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।